हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। लास्ट टाइम ऐसा आपने कब सुना था कि किसी थ्री रो कार में सिक्स सीट लेआउट सेवन सीटर के कंपैरिजन में सस्ता हो और वो भी 60,000 रुपीज से। BYD E-Max 7 में कुछ ऐसा ही है, एज इफ द कंपनी वांट्स के इस कार में सिर्फ कैप्टन सीट्स वाला सिक्स सीट लेआउट ही सेल हो, विच शुड मोस्ट लाइकली बी सूटेबल फॉर स्मॉल फैमिलीज और फॉर दोज हु आर मोस्टली शॉफर ड्रिवन। और आज हम इस कार का सिक्स सीट वर्जन ही चला रहे हैं और ये फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या ये कार सच में पर्सनल यूज ईवी के पर्सपेक्टिव से सही है या नहीं। E-Max 7 का डिजाइन रियर से सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ हाउ द टेल लैंप्स लुक। ये कनेक्टेड टाइप है और इनमें LED क्रिस्टल्स हैं जो स्टैंड आउट करते हैं। The indicators are also swiping type, जिनकी वजह से ये कार contemporary लगती है। The one thing worth noting in its design is the use of thick chrome strip on the lower part, जिसकी वजह से ये कार sleek लगती है। And you know, it's not trying to build a muscular image. Rear defogger, wiper और parking camera है, and the boot lid is powered. Boot में एक lamp है, and with all the seats up, इसमें 180 liters की storage है. So it is clearly not a car जिसमें 6 या 7 लोग long distance travel कर सकें। Although, जो टॉप सुपीरियर वेरिएंट हम चला रहे हैं उसकी क्लेम्ड रेंज 530 किलोमीटर है, सो इट माइट जस्ट टर्न आउट टू बी अ गुड सिक्स सीटर फॉर अ शॉर्ट सेम डे 200 ऑड किलोमीटर वन साइड ट्रिप्स। रियर सीट्स फोल्ड करके यहाँ 580 लीटर्स की स्टोरेज मिलती है एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर 4 to 5 पीपल। बूट फ्लोर के नीचे थॉट आउट स्टोरेज पिन है जिसमें पंक्चर रिपेयर किट के अलावा कुछ और सामान भी रखा जा सकता है। E-Max 7 का व्हील साइज 225/55R17 है एंड द अलॉयज लुक स्मार्ट। देयर इज रियर डिस्क ब्रेक्स, रूफ रेल्स, क्रोम विंडो आउटलाइन, डोर माउंटेड ORVMs विद साइड पार्किंग कैमरास एंड बॉडी कलर्ड रिक्वेस्ट सेंसर्स इन बोथ द फ्रंट डोर्स। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है और साइड से देखने में ये स्लीक लगती है एंड सो इज द केस विद द फ्रंट दैट गेट्स लार्ज स्वेप्ट बैक LED हेडलैम्प्स एंड स्लीक ब्रश्ड क्रोम कनेक्टिंग एलिमेंट। बम्प का डिजाइन शार्प है एंड देयर इज द फ्रंट पार्किंग कैमरा हियर एंड कैमरा फॉर द ADAS सुइट एज वेल। फॉर अ कार दैट कॉस्ट ऑलमोस्ट 30 lakh rupees, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का ना होना इज सरप्राइजिंग। E-Max 7 का एक्सटीरियर डिजाइन सिंपल है एंड इफ दैट इज द थीम ऑफ द कार तो इंटीरियर डिजाइन भी नीट एंड क्लीन ही होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट दीपशिका हैज टू से अबाउट दैट। यस, द इंटीरियर डज फॉलो अ मिनिमलिस्टिक थीम। The overall look and feel of the dashboard design is clean because there are no buttons over here क्योंकि सब controls इसकी screen में ही हैं and this is the rotatable 12.8-inch touchscreen। आप अपनी need के according इस screen को horizontal या vertical तो कर सकते हैं but I think that this screen is more practical in its horizontal position because one, it is easy to use and second, vertical position में ये driver की field of view में आती है। Although E-Max 7 का क्लीन डैशबोर्ड डिजाइन अच्छा है लेकिन हमें लगता है कि इसमें सीट वेंटिलेशन के फिजिकल कंट्रोल्स होने चाहिए थे एज दैट इज वन फीचर जो शायद आप कार चलाते हुए भी स्विच ऑन करना चाहें। अदरवाइज इंफोटेनमेंट में कुछ यूजफुल फीचर्स हैं, जैसे यहाँ से आप इसके बूट ओपनिंग हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और इवन ब्लूटूथ कॉल्स के टाइम AC के ब्लोअर की स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, देयर इज मेनली हार्ड प्लास्टिक ओवर हियर। इसके सेंटर कंसोल पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं। There is leather trim on the doors as well. Storage की बात करें तो इसके doors में, center console में और front armrest में storage है और इसमें charging ports भी हैं। मुझे इसकी front seats का cushion तो अच्छा लगा, but these are very low और under thigh support भी बहुत कम है। So I think इसका base थोड़ा और tilted होना चाहिए था और इनमें side bolstering भी ज़्यादा होती तो better होता। अब मैंने इसकी फ्रंट सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है और अब देखते हैं कि इसके रियर में कितनी स्पेस है। फ्लैट कैबिन फ्लोर और सूटेबल ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से इसमें इंग्रेस ईग्रेस इजी है अंदर बैठ के। द वन थिंग आई रियली लाइक्ड इज द पैनोरामिक ग्लास रूफ जो फ्रंट सीट से मिडिल सीट के एंड तक स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से इसका कैबिन काफी एयरी लगता है डिस्पाइट द ब्लैक ब्राउन इंटीरियर। सिंस इट्स द सिक्स सीट वर्जन तो इसमें कैप्टन सीट्स आती हैं। इसकी ड्राइवर सीट मेरी कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है एंड आई एम अराउंड 5.7 feet, तो मेरे लिए यहाँ पर एडिक्वेट नी रूम और लेग स्पेस है और फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की स्पेस भी काफ़ी है। इसमें हेडरूम भी अच्छा है बोथ ऑन द टॉप एज वेल एज ऑन द साइड। टॉकिंग अबाउट द सीट बेस एंड बैक, तो कुशन सपोर्टिव है लेकिन ये सीट्स इतनी लो हैं कि इनमें भी अंडर थाई सपोर्ट कम फील होता है। आई ऑल्सो फील कि इसमें भी साइड सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था। दैट सेड, ये सीट्स आउटराइट अनकंफर्टेबल नहीं है और इनमें हेडरेस्ट भी अर्गोनॉमिकली पोजिशन है।
रियर पैसेंजर्स के लिए इसमें वन टच अप डाउन विंडो, एसी कंट्रोल्स, यूएसबी ए एंड यूएसबी सी पोर्ट्स और एलईडी केबिन लाइट्स जैसे फीचर्स आते हैं। वन थिंग आई फील इज मिसिंग इन दिस कार इज विंडो कर्टन्स एंड आई थिंक इस प्राइस पे ये इसमें होते तो केबिन एक्सपीरियंस और एनहेंस होता। थर्ड रो के लिए आप सेकेंड रो के मिडिल में से जा सकते हैं। यहाँ पर अडल्ट्स के लिए नी रूम और लेग स्पेस काफी कम है, लेकिन हेडरूम अच्छा है बोथ ऑन द टॉप एज वेल एज ऑन द साइड। सीट कुशन सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ भी सीट बेस बहुत लो है। इन सीट्स में रिक्लाइन का ऑप्शन भी है और यहाँ पर भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, बट आई थिंक ये सीट सिर्फ किड्स के लिए ही सूटेबल है। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स और कप होल्डर्स दो मेन फीचर्स हैं। सो ओवरऑल मुझे ईवी मैक्स 7 का इंटीरियर डिजाइन क्लीन लगा। इट फील्स प्रैक्टिकल बट आई वुड हैव लाइक्ड द सीट्स टू बी मोर कंफर्टेबल। फॉर एन इलेक्ट्रिक कार फ्रॉम BYD ये एक्सपेक्टेड है कि रेंज अच्छी होगी एंड विद अ क्लेम रेंज ऑफ 530 किलोमीटर फ्रॉम द ब्लेड बैटरी सेटअप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 400 प्लस किलोमीटर तो एक फुल चार्ज पे चलनी चाहिए। हमारे फर्स्ट शूट ब्रेक के टाइम हमने इसे 45 किलोमीटर चलाया था एंड द चार्ज ड्रॉप्ड फ्रॉम 97% टू 88% फॉर दिस डिस्टेंस। तो 9% में अगर ये 45 किलोमीटर चली है तो उस हिसाब से इसकी एक्चुअल रेंज 500 किलोमीटर होनी चाहिए एंड इवन इफ यू टेक इनटू अकाउंट के कई बार कार आइडल भी होगी तो भी 400 टू 450 किलोमीटर की फुल चार्ज रेंज तो इजीली पॉसिबल है। सिंस इट हैज अ 71.8 किलोवाट आवर बैटरी दैट वुड मीन कि इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी 5.5 टू 6 किलोमीटर पर यूनिट से तो ज्यादा ही है। जो वेरिएंट हम चला रहे हैं उसमें और लोअर वेरिएंट में 2.40 लाख रुपीस का डिफरेंस है और इसमें बड़ी बैटरी यानी ज्यादा रेंज के अलावा फास्टर चार्जिंग स्पीड्स सपोर्ट करने का भी प्रोविजन है और परफॉर्मेंस अपग्रेड भी है। द लेस पावरफुल वर्जन मेक्स 163 पीएस ऑफ मैक्सिमम पावर एंड दिस वन मेक्स 204 पीएस व्हिच रिजल्ट्स इन अ 1.5 सेकंड इंप्रूवमेंट इन द 0 टू 100 किलोमीटर पर आवर टाइम जो 8.6 सेकंड्स है। दैट मेक्स दिस कार fairly quick for an MPV and you also feel that while pushing it especially slow speed se agar aap ise full throttle dete hain to iske tires grip nahi kar pate, that is how quick it moves. The lack of grip could also be because of this GT tires that are tuned for efficiency. Aise GT kaun sa brand hai? Anyhow, it feels more in control at higher city speeds which is where you will appreciate its drivability. Par acceleration ke alawa isme aur kuch driver oriented nahi hai. The steering setup which has two modes, the braking which gets two regen levels and its suspension setup all are tuned in a way that this car feels like a commuter. Iska to IRVM bhi manual day night adjustable. Shayad yahi cheezon ki wajah se mujhe ise chalate hue emotional connect feel nahi ho raha. It could also be because of the seats which are quite flat or the uninspiring instrument cluster jo aisi feel nahi deta that you are driving a 30 lakh rupee car. So, while I appreciate the fact कि ये एक long range practical commuter है, which will be very economical to run, it is hard to define a character for this car, जिसे मैं as a driver relate कर पाऊँ, and that is despite the fact that this car can do a 0-100 km per hour in under 9 seconds. BYD E-Max basically इसके predecessor का ज़्यादा refined version है, and given its equipment level, it is supposed to be a personal car. For that, iska interior better appointed hai. And both from outside and inside, this car is a no-nonsense vibe. At the same time, it also feels very basic. Hum isse achhi range expect kar rahe hain, so it will be very economical car to run for sure. But I feel that this car needs something more for that emotional appeal, jo ise as a personal car lene pe majboor kare. ये कार अभी प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, बट स्टिल आई फील कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से ऐसा होना चाहिए दैट वन वुड से कि वाओ ये चीज की वजह से मैं ये कार लूंगा। फॉर नाउ इट्स अ कार दैट यू शुड बाय ओनली इफ यू वांट अ वेरी इकोनॉमिकल डेली कम्यूटर एज अ प्राइमरी रोल एंड अ फोर सीटर कार व्हेन यू वुड वांट टू हेड आउट विद द फैमिली। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके E-Max 7 से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर E-Max 7 से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।